और सुबह की पहली खबर एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। जिस वक्त मुंबई तीन धमाकों से दहल उठ रही थी, उस वक्त केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय फैशन शो में उनकी रंगीनियों में खोए हुए थे। धमाके के वक्त केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय दिल्ली में एक फैशन शो और उसके बाद हुए मॉडल्स की पार्टी में व्यस्त थे। यह फैशन शो दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुआ। चंद घंटों के अंतराल की ये दो तस्वीरें देखकर एक बार आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें एक ही झटके में कैबिनेट मंत्री की कथनी और करनी के फर्क को जग जाहिर कर रही हैं। जब 13 जुलाई की शाम मुंबई धमाकों से करार रही थी, उसके चंद घंटों बाद ही कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध कांत सहाय रैंप पर कैटवॉक का बेहद करीब से मजा ले रहे थे। अब आप भी जरा गौर से देखिए, ये हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय। सुबोध कांत सहाय के एक तरफ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक प्रधान और दूसरी तरफ फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय हैं। ऐसा नहीं है कि फैशन शो में मौजूद मंत्री जी को ये पता नहीं था कि मुंबई में क्या हुआ है। वो बखूबी जानते थे कि ये वक्त रैंप पर गुजारने का नहीं है, लेकिन इसके लिए भी उनके पास तर्क है। And that because is 1 billion plus country, कहां कहां आप लोगों को चेक करते चलेंगे। ये शो दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अशोक प्रधान ने अपनी बेटी के पहले कलेक्शन के लिए सुबोध कांत सहाय को न्योता भेजा तो वो इसे ठुकरा नहीं पाए। आतंकी हमले के चंद घंटों बाद ही फैशन शो में पहुंच गए, लेकिन जब बयानबाजी की बारी आई तो जरा सुबोध कांत जी के बोल सुनिए। पिछले घटनाओं से हमने अपना जो काम करने का तरीका है इम्प्रूव किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह घटना हुई है। सुबोध कांत जी, अगर आपके काम करने का तरीका इस कदर इम्प्रूव कर रहा है तो इस देश का भगवान ही मालिक है। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। और सैयद नजीर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नजीर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री फैशन शो देख रहे हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी कोई चीज होती है, उस वक्त उनको फुर्सत नहीं निकली लोगों की संवेदनाओं के साथ जुड़ने की? लेकिन निशान, जैसा कि आपने सुबोध कांत सहाय का स्टेटमेंट सुना कि जिंदगी चलने का नाम है और जो आप कर रहे हैं उसमें आप करते जाइए, और यही तक वो अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं। जब वो फैशन शो में मौजूद थे और रैंप पर मॉडल खिरक रही थी और कपड़े का नुमाइश कर रही थी, उस वक्त सुबोध कांत सहाय वहां मौजूद थे और मुंबई में दहशत फैली हुई थी और मुंबई के भी बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो दिल्ली में मौजूद थे, और सुबोध कांत सहाय जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं उनको खबर मिल चुकी थी इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मुंबई में जो दहशत फैली थी, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ फैशन शो में मौजूद थे और बाद में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाएं। इसके अलावा और भी बीजेपी के लीडर वहाँ मौजूद थे, दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा थी, वो भी ये कह रहे थे कि जिंदगी चलने का नाम है, और आप उन्होंने हालांकि दुख प्रकट जरूर किया लेकिन साथ ही ये कहा कि जिंदगी चलने का नाम है और चलता ही रहेगा। निशांत, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक फिलहाल कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जिस तरह से मुंबई ब्लास्ट के बाद से जिस तरह से राजनीति उसको लेकर हो रही है और लगातार दोनों तरफ से, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ताधारी लोग हों, दोनों तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री जो कि खबर सुनने के बाद ही फैशन शो में मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है कि वो कितने जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, और भी सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने कि इसको एक घटना के तौर पे लिया लेकिन फिर भी फैशन शो में मौजूद रहे। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।